और वही बार्सिलोना फैंस, आज से तुम लोग हो मिल्फ, तुम मिल्फ, तुम मिल्फ, तुम मिल्फ, तुम सब के सब ये वीडियो तो देख रहे हो और बार्सिलोना फैंस हो, तुम मिल्फ हो। जो न्यूट्रल फुटबॉल फैंस हैं तुम भी मिल्फ हो, मैं भी मिल्फ हूं। मैन आई लव फ्लिक, भाई क्या खेक बंदा है भाई यार। मतलब बार्सिलोना का टिकी टाका से फ्लिकी फ्लाका का सफर पूरा हो गया है। इट इज इंसैनिटी, इट इज इनक्रेडिबल। 8-2 का 4-1 से बदला। दर्द भी हैंसी फ्लिक देगा और उसका इलाज भी हैंसी फ्लिक देगा। इट इज इनक्रेडिबल। बार्सिलोना फैन नहा धो के बाल खोल के मैं वीडियो बनाने आया हूं तुम्हारे लिए। क्रेजी हो गया है बहुत कुछ, सब कुछ ही। बिफोर आई गेट इनटू ऑल द डिटेल्स, 9 नवंबर को करण सिंह मैजिक का बैंगलोर में शो है। टिकट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन वगैरह में, आ जाना फटाफट। आज जब भी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, करण सिंह मैजिक की एक न्यू वीडियो भी आएगी, वो भी जाके देख लेना। मगर वी आर हियर टू टॉक अबाउट बार्सिलोना। बार्सिलोना ने बायर्न म्यूनिख की अंदर से ले ली भाई। इट इज इनसेन। व्हाट इज दिस फुटबॉल क्लब? क्लब इट इज, आई हैव बुचर्ड द प्रोनाउंसिएशन बट भाई बहुत बढ़िया यार। मैच शुरू होता है और मैच शुरू होते ही बिल्कुल ही खतरनाक चीजें शुरू हो जाती हैं। पहले मिनट में, फर्स्ट मिनट में एक बहुत ही प्यारी सी थ्रू बॉल, राफिनिया थ्रू ऑन गोल, कीपर को राउंड करता है एंड हिट्स इट इनटू द बैक ऑफ द नेट। राफिनिया पहले मिनट में बैक ऑफ द नेट। एंड दिस यू आर गोइंग टू हियर अ लॉट इन दिस वीडियो बिकॉज राफिनिया लाइक मुक्तेश लाइक्स टू कॉल हिम एमसी स्टैन भाई, एमसी स्टैन ऑफ फुटबॉल भाई। चेल्सी के हाथों में आते आते रह गया। पिछले सीजन बार्सिलोना फैंस को अच्छा लग रहा था, बुरा लग रहा था, बट इस सीजन तो भाई स्टैंड एंड सल्यूट फॉर राफिनिया। फर्स्ट मिनट गोल। बहुत जल्द उसके बाद हैरी केन 10वें मिनट में गोल मार देता है। जब राफिनिया का पहला मिनट गोल आ गया, आई फेल्ट बार्सिलोना थोड़ी सी कंप्लेसेंट हो गई है और जिस तरह बायर्न म्यूनिख खेल रही थी, मुझे लग रहा था कि अरे भाई ये तो बायर्न म्यूनिख कुक करने वाली है। और फिर हैरी केन का एक ऑफ साइड गोल आता है, उसके बाद हैरी केन का एक एक्चुअल गोल भी आता है। बहुत बढ़िया हैरी केन की फिनिश, अंदर क्रॉस आके। ही वाज वेरी एथलेटिक, वेरी गुड गोल। हैरी केन आई फील सो बैड फॉर भाई, मतलब एक ऐसा आदमी हु डिजर्व्स ट्रॉफीज, बट ऐसे पता नहीं क्या ही हो रहा है उसके साथ, बट ठीक है। हैरी केन इनक्रेडिबल फिनिश। जैसे ही हैरी केन ने गोल मारा, बार्सिलोना का मिडफील्ड जाग गया। उनको याद आया कि भाई यही तो टीम थी जिन्होंने हमें जलील करा था, यही तो टीम थी जिसके ऊपर हमारे मीम बने थे। 8-2 आई वुड एट टू बी बार्सिलोना। एंड भाई जो जागी है वो मिडफील्ड बार्सिलोना की, एंड इट वाज इनक्रेडिबल फुटबॉल आफ्टर दैट। दूसरा गोल लेवेंडोव्स्की ने कैसे मारा? टैप इन। उसकी मूवमेंट और पूरा बार्सिलोना का सिस्टम ऐसा बन गया है कि लेवेंडोव्स्की को बॉल दोगे, बॉल उसके पैरों में आएगी और वो अंदर घुसाएगा। दैट्स व्हाट शी सेड। बहुत ही प्यारा तरह घुसाते हैं लेवेंडोव्स्की बिल्कुल पास आके। इट इज जस्ट ब्यूटीफुल फ्रॉम लेवेंडोव्स्की। एंड देन वेरी 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 सून आफ्टर दैट, राफिनिया का जो सेकंड गोल था जस्ट बिफोर हाफ टाइम वाज वर्ल्ड क्लास। दैट फिनिश फ्रॉम राफिनिया वाज वर्ल्ड क्लास भाई। कीपर मैनुअल नोयर ही था ना, जो भी था, आई थिंक मैनुअल नोयर ही था इन गोल फॉर बायर्न म्यूनिख। एंड ही हैड नो चांस, He had no chance. और ऐसा नहीं था कि बहुत क्लियर कट ऑपरचुनिटी थी राफिनिया के गोल की भाई। उसने जहां से फिनिश करी है, इट इज ब्यूटीफुल भाई। राफिनिया गोटेड, एब्सोल्युटली गोटेड। और हाफ टाइम पे मैच खत्म है, हाफ टाइम पे मैच खत्म है। और ये किसी एरी गैरी टीम के अगेंस्ट नहीं किया बार्सिलोना ने, ये बायर्न म्यूनिख के अगेंस्ट हुआ है। अभी तक हमें लग रहा था 5 गोल मार रहे हैं, 7 गोल मार रहे हैं, हाँ ठीक है, बट क्या ही ऑपोजिशन है बायर्न म्यूनिख। Bring us Bayern, कह रही थे बार्सा फैंस। They brought him Bayern. They brought them Bayern and Bayern was taken to the cleaners. Just fucking brilliant भाई। मतलब हाफ टाइम पे तुमने बायर्न म्यूनिख को किल कर दिया है, बट मैच अभी खत्म नहीं हुआ है। 3-1 अप एट हाफ टाइम। The moment the second half starts, you can see कि बार्सिलोना उस विगर से आई है कि भाई ये हमें लीड स्लिप नहीं होने देनी है, अब हमें जीतना है, एट द सेम टाइम बदला भी लेना है। और लमीन यमाल, एक 17 साल का छोटा सा प्यारा सा बच्चा, एलीट लेवल पास देता है, एलीट लेवल असिस्ट लमीन यमाल देते हैं, सीधा पैरों में राफिनिया के। राफिनिया इज थ्रू ऑन गोल, बट अगेन ही हैड नो राइट। राफिनिया हैड नो राइट टू स्कोर फ्रॉम वेयर ही डिड। नहीं बनता भाई वहां से गोल मारना। बट खैर मैं क्या ही कह रहा हूँ, निकोलस जैक्सन और इतने सालों से रोमेलू लुकाकू, गोंजालो हिग्वाइन का वर्स्ट, फाल्काओ का वर्स्ट, शेवचेंको का वर्स्ट, ये सब देखते आ रहा हूँ मैं, तो मुझे लगता ही नहीं है कि ऐसे फिनिशिंग होनी चाहिए। मगर राफिनिया नो राइट टू स्कोर, वेल डिजर्व्ड हैट्रिक। भाई जब मैंने रात को अपने घर पे देखा था, मेरे मॉम डैड दिवाली पार्टी कर रहे थे तो कोई फ्रेंड्स वेंड्स आए थे, मगर मैं कोने में बैठ के ये देख रहा था और मैंने जो तालियां सीटियां मारी है ना राफिनिया के लिए, जस्ट वर्ल्ड क्लास। ऑल्सो पेड्री भाई, पेड्री 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 पेड्री, अ मोमेंट ऑफ टॉक फॉर पेड्री भाई। क्या ही कंट्रोल करा है उसने पूरा वो मिडफील्ड, क्या ही खतरनाक लिंकअप प्लेस करे हैं सब कुछ भाई। पेड्री जस्ट इंक्रेडिबल, राफिनिया इंक्रेडिबल, लेवेंडोव्स्की नॉट सेलिब्रेटिंग अगेंस्ट बायर्न म्यूनिक आफ्टर स्कोरिंग, बिकॉज ऑफ कोर्स व्हाई वुड ही सेलिब्रेट, इतना कुछ दिया है बायर्न म्यूनिक ने उसको। जस्ट एलीट भाई, यार बार्सिलोना को देख के थोड़ी लुपलुप होती है भाई। अब शुक्र है चैंपियंस लीग में नहीं है चेल्सी, क्योंकि चेल्सी बार्सिलोना के मैचेस वैसे ही इतने हाई इंटेंसिटी होते हैं, ये तो पुछाड़ देंगे भाई, ऐसे खोल के घुस के मारेंगे भाई। बार्सिलोना इज नेक्स्ट लेवल। कल जब रियल मैड्रिड ने कमबैक करा था तब लगा था भाई मैड्रिड वापस आ रही है, बार्सिलोना बोल रही है भाई अभी हम भी हैं। एंड दीज टू बिग जायंट्स हैव वन टू बिग मैचेस। मैड्रिड ने बोरुसिया डॉर्टमुंड को हरा दिया है, बहुत बड़ा चैलेंज उनके लिए। बायर्न म्यूनिख को बार्सिलोना ने हरा दिया है, और भी बड़ा चैलेंज उनके लिए। और अब ये दो बहीमथ्स विल कम टुगेदर इन द एल ग्रैंड क्लासिको। रियल मैड्रिड वर्सेस बार्सिलोना होने वाला है इस वीकेंड पे, और बहुत खतरनाक होने वाला है। बहुत बहुत पता है, बहुत ज़माने बाद, रोनाल्डो मेसी के पीक के बाद मैं इतना एक्साइटेड हुआ हूँ एल क्लासिको के लिए। आई कैन नॉट वेट टू सी क्या होने वाला है भाई, बहुत मज़ा आने वाला है। बायर्न म्यूनिख की बात करते हैं, विंसेंट कॉम्पनी यार 9 गोल पहले आपने चैंपियंस लीग में मैच में तो मार दिए, फिर आप एस्टन विला से हार गए, और फिर आप बार्सिलोना के अगेंस्ट ह्यूमिलिएट हो गए हो। तो समझ सा नहीं आ रहा है मुझे कि विंसेंट कंपनी अपनी नौकरी रख पाएंगे ज़्यादा टाइम के लिए कि नहीं, क्योंकि गिवन ही है कि भाई आपने ये तो जीतना ही है। आप जर्मन लीग तो जीतो ही, बुंडेसलीगा, पर चैंपियंस लीग में ऐसे तो ना होना कि 2 मैच एस्टन विला, चलो बार्सिलोना से हार गए समझ आता है, आप एस्टन विला से भी तो हारे थे। तो थोड़ा बायर्न म्यूनिख नीड टू मे बी हैव अ स्ट्रॉन्ग कमबैक इन द नेक्स्ट चैंपियंस लीग नाइट। मगर हाँ भाई, हैट्स ऑफ टू बार्सिलोना, जस्ट इंक्रेडिबल भाई। बाल खोल के वीडियो बनानी पड़ रही है भाई, ऐसा क्रेजी कर दिया है बार्सिलोना ने, अमेजिंग। मैनचेस्टर सिटी ने 5 गोल मार दिए, बिकॉज मारती है मैनचेस्टर सिटी तो भाई। भाई सुनो 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 एक सेकंड के लिए। आफ्टर पेप ग्वार्डियोलाज एलीट लेवल फुटबॉल एट बार्सिलोना, मेरे हिसाब से ये हांसी फ्लिक का जो है बहुत खतरनाक है फिलहाल। आई थिंक उसके बाद ये टिकी टाका और फ्लिकी फ्लाका जो आ गया है ना, फ्लिकी फ्लाका इज़ द बेस्ट थिंग अकॉर्डिंग टू मी जो बार्सिलोना के लिए हुई है सिंस टिकी टाका। और दूसरी तरफ होगा मैनचेस्टर सिटी का पेप ग्वार्डियोला, द मैन हु पुट बार्सिलोना, द मॉडर्न डे बार्सिलोना ऑन द मैप। तो सोचो जब वो मैच होगा मैनचेस्टर सिटी वर्सेस मैनचेस्टर सिटी, रियल मैड्रिड के लिए इतने एक्साइटेड होते थे हम चैंपियंस लीग नाइट्स के लिए, बट सिटी वर्सेस बार्सिलोना भाई कर दो भाई, प्लीज़ प्लीज़ भाई, मज़ा आ जाएगा यार, इट विल बी सो मच फन। ये था भाई चैंपियंस लीग। थैंक यू बार्सिलोना फॉर सच एन एंटरटेनिंग इवनिंग, मज़ा आ गया भाई। आज रात को चेल्सी का भी मैच है, पैनाथिनाइकोस के अगेंस्ट है शायद, पता नहीं कहाँ, ग्रीस में है कहीं ना मैच। एक्साइटेड हूँ मैं, एंड आई वुड लव टू सी व्हाट हैपेंस। वन मोर टाइम, 9 नवंबर करण सिंह मैजिक परफॉर्मिंग इन बैंगलोर, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट में है। और आज एंड ऑन द डे ऑफ रिकॉर्डिंग दिस, ये वीडियो जब भी आएगी 7 बजे करण सिंह मैजिक की एक न्यू वीडियो आ रही है। यू डू नॉट वॉन्ट टू मिस दिस वीडियो। अगर आप स्पेशली अगर आप कार्ड्स खेल रहे हो दिवाली पे, दिस इज 22 years ऑफ मैजिक एक्सपीरियंस दैट विल बी शोन इन 5 minutes। आई कैन नॉट वेट फॉर ऑल ऑफ यू टू सी इट। आई कैन नॉट वेट फॉर ऑल ऑफ यू टू टेल मी कि आपने क्या मैच के बारे में सोचा। मुझे कमेंट्स में बताओ कि आपका मैन ऑफ द मैच आपका कौन था। एंड राफिनिया या पेड्री होने चाहिए मेरे हिसाब से तो, मगर जस्ट एलीट एलीट बार्सिलोना भाई, एलीट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ऑल यू मिल्फ्स, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।